गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस हेयर क्लास टेंथ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर इन दिस वीडियो बी एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स सम सम इम्पोर्टेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर नंबर फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू लेबरेट हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिव metals such as zinc and magnesium displace hydrogen from acid in the form of hydrogen gas means है कि acid react करते हैं metals के साथ तो liberate करते हैं hydrogen gas for example reactive metals जैसे कोई भी metals हैं जैसे zinc है और magnesium वो displace करते हैं hydrogen hydrogen gas ठीक है hydrogen को displace करते हैं और form acid in the form of hydrogen gas ठीक है और फिर हम वहां पे हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है द मेटल कंबाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड द मेटल कंबाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड एंड फॉर्म एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सोल्ट और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं सोल्ट वोल्ट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एन एसिड इस प्रकार से मेटल्स की जब रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ मे बी रिटर्न एज तो उस प्रकार से उसको रिटर्न किया गया है जैसे मेटल प्लस एसिड मेटल प्लस एसिड देन फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे जिंक की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड प्लस एच हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है ओके एंड अदर एग्जाम्पल जैसे जिंक मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद डायल्यूट सल्फ्योरिक एसिड एस जिंक प्लस एच टू एसओ फोर सल्फ्योरिक एसिड मीन्स एच टू एसओ फोर देन फॉर्म जेड एन एसओ फोर प्लस एच टू ठीक है एक प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी है ओके तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटल सॉल्ट क्रिएट हो रहा है और हाइड्रोन गैस हो रही है ठीक है एंड अदर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला एच सी एल ओके तो जैसे ही मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ओके एम जी सी एल टू प्लस एच टू ऐसे ही एफी एफी मीन्स आयरन ठीक है आयरन रिएक्ट करता है एच सी एल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वैन आयरन रिएक्ट विद एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैन फॉर्म आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ओके तो यहाँ पर क्या होता है जो एफ ई है वो डिस्प्लेस कर देता है ठीक है किसको एच को तो एफ ई सी एल से रिएक्शन कर लेता है एफ ई सी एल टू हो जाएगा और फिर एच टू ठीक है तो हाइड्रोन गैस फॉर्म हो जाती है इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोन गैस लिबरेट करते हैं ठीक है हाइड्रोन गैस यहाँ से निकल जाती है इट मे बी नोटेड डेट डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू डिफरेंट एक्सटेंट ठीक है इस प्रकार से डिफरेंट मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट ठीक है सब्सटेंस बनते हैं मेक बट गिव इन करते हैं कि हाइड्रोन गैस ठीक है जनरेट करते हैं मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वर्जीलियस विद डायल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोन गैस ठीक है सोडियम हुआ या मैग्नीशियम हुआ या कैल्शियम हुआ वो रिएक्ट करते हैं डायलुट एसिड के साथ ठीक है और हाइड्रोन गैस फॉर्म करते हैं एलमोनीम जिंक एंड आयरन रिएक्ट लेस स्ट्रांगली एलमोनीम जिंक और आयरन लेस स्ट्रांगली क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और वे डायलोड एसिड डायलोड एसिड के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉरी वेरी लेस वेरी लेस क्या करते हैं रिएक्टिव होते हैं रिएक्शन uh, करते हैं हाउ एवर मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड जैसे मेटल्स कुछ हैं जैसे सब मेटल्स हैं कॉपर सिल्वर एंड अदर गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं ठीक है एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं दिस हैज़ बीन डिस्कस इन द डिटेल्स इन चैप्टर थ्री ठीक है चैप्टर थ्री में इसको डिटेल से इसको स्टडी करेंगे एंड द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मेटल्स विद डायल्यूट एच सी एल और एस्टोएसोफोर आर बॉयलेंट एंड अनसेफ ठीक है सोडियम और कैल्शियम की जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं एच सी एल से या एसटोएसोफोर से ठीक है तो उसमें बहुत ज़्यादा अनसेफ रहते हैं एंड देयर फॉर दीज मस्ट बी परफॉर्म वेरी केयरफुली ठीक है तो इसमें जो परफॉर्म करना होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना होता है ठीक है कार्बोनिक एसिड एच टू सीओ थ्री हाउ ओवर डज नॉट रिएक्ट विद मेटल एच टू सीओ थ्री जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है मेटल्स के साथ ओके एंड सेकेंड द रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स कार्बोनेट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन होती है एसिड की मेटल्स के कार्बोनेट uh, के एसिड uh, की जब रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोन कार्बोनेट्स ठीक है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल्स हाइड्रोन कार्बोनेट्स टू फॉर्म है टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है सॉल्ट क्रिएट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्ट क्रिएट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व विद ब्रिस्क इफ्रोवे एंड द रिएक्शन कैन बी इजली परफॉर्म इन द लेबोरेटरी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और द रिएक्शन कैन बी इजली परफॉर्म इन द लेब्रेटरी ठीक है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है लेब्रेटरी में अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिकल ठीक है हम प्रैक्टिकल्स करेंगे और उसमें देखेंगे फिर ठीक है लेकिन फर्स्टली हम क्या थ्योरी थ्योरी पे सबसे मेन फोकस कर रहे हैं जैसे मेटल रिएक्ट विद एसिड मेटल जैसे ही एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट क्रिएट होता है फिर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म मेटल सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एच टू एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है उसी प्रकार से सिमिलरली सी ए सीओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एस्ट्रसोफोर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से देन फॉर्म कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेटल्स और एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है तो मेटल सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फॉर्म होता है सिमिलरली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जब जैसे ही मेटल हाइड्रोन कार्बोनेट की भी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है जैसे एन सोडियम हाइड्रोन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोल्ट बन गया है ठीक है मेटल सोल्ट है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है एंड अदर सोडियम हाइड्रोन कॉर्बोनेट रिएक्ट विद आइस टू एसओ फोर सल्फरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं देन फॉर्म एन एन ए टू एसओ फोर सोडियम सल्फेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करें तो मेटल सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ठीक है एंड अगर आप मेटल हाइड्रोनकोनेट की रिएक्शन कराएं एसिड से तो भी वहाँ पर भी क्या होता है मेटल सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ओके एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस जैसे रिएक्शन होती है एसिड की बेसिस के साथ एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एसिड और बेसिस की जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है इन ऑल एसिड बेस रिएक्शंस बहुत एसिड एंड बेस लॉस देयर करेक्टर्स ठीक है तो वो अपने करेक्टर्स एसिड और बेस का करेक्टर्स को क्या कर देते हैं लॉस कर देते हैं इन द अदर वर्ड द एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स इन डेस्टोरेट एंड देयर फोर सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ठीक है तो इस प्रकार से वो वह अपने एसिड और बेसिक करेक्टर्स को क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं खत्म कर देते हैं ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैन फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके इन जनरल फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड मे बी रिटर्न जैसे एच सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएच दैन फॉर्म एनएसीएल प्लस वॉटर ओके तो यहां पर क्या एनएसीएल क्या सोल्ट है ठीक है और सोल्ट जो होता है ना ही वो एसिड की प्रॉपर्टी को शो करता है ना ही वो बेसिस की प्रॉपर्टी को शो करता है ओके तो इस प्रकार से ये अपना एसिड के नेचर को भी खो देता है और एनिवेज के नेचर को भी खो देता है ठीक है द न्यूट्राइशन रिएक्शन मे बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ चेंज ऑफ द इंडिकेटर्स ठीक है तो ये इसके अगर आप समझना चाहें तो इसको एक इंडिकेटर्स इन, इन, भी इसमें हेल्प करते हैं ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इसमें एसिड और बेस में जैसे एग्जाम्पल एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्म सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर तो यहाँ पर एच एन ओ थ्री हमारा क्या था एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेसिस तो जैसे ही एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो जनरेट कर रहे हैं एक सॉल्ट एन ए एन ओ थ्री एक प्रकार से क्या है सोल्ट है प्लस बॉटर एंड अदर एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर हमारा एसिड है और एसिड जब रिएक्ट करता है यानी एन ए ओ एच रिएक्ट कर रहा है ठीक है तो देन फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और वाटर क्रिएट हो रहा है एंड अदर है एच टू एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है देन फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक प्रकार से सॉल्ट क्रिएट हो रहा है ठीक है एंड अदर एच टू एस ओ फोर सल्फोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस तो एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सोल्ट एन एच फोर टू एन एच फोर का होल्ड ट्वाइस आइज एस ओ फोर अमोनियम सल्फेट ठीक है अमोनियम सल्फेट केट हो रहा है प्लस वाटर तो ये भी क्या है एक प्रकार से न्यूट्राइजेशन रिएक्शन है और एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्राइजेशन रिएक्शन ओके नंबर फोर्थ रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड कि जैसे ही मेटलिक uh, ऑक्साइड की रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो वहाँ पर भी क्या होता है सॉल्ट और वाटर क्रिएट होता है एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म देअर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। द जनरल द जनरल रेसन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न एज मीन्स है जैसे ही मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हम कॉपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का एक स्मॉल अमाउंट लेंगे इन्हें बीकर एंड एड ड्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विद विध स्टरिंग ठीक है इसमें स्लोली स्लोली एच सी एल गैस को प्रोड्यूस uh, करेंगे हाउ विल ऑब्जर्व डैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व और कॉपर ऑक्साइड क्या कर देते हैं डिजोल्व हो जाती है द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द दोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड तो जो ब्लू ग्रीन कलर है वो सोल्यूशन का इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड कॉपर क्लोराइड तो वो कॉपर क्लोराइड के कारण क्या हो जाता है इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है कॉपर क्लोर, क्लोराइ कॉपर क्लोराइडस का ब्लू ग्रीन कलर होता है द रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एज जैसे कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक था और ब्लैक जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो उसका कलर जो हो जाता है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है मीन से वहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है सी यू सी एल टू ठीक है कॉपर क्लोराइड उसका कलर होता है ब्लू ग्रीन प्लस वाटर तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या रहता है सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है सिमिलरली एन ए टू ओ रिएक्ट विद एच सी एल तो एन ए टू ओर जब रिएक्ट करता है एच सी एल से तो वहाँ पर भी क्या होता है एक सॉल्ट क्रिएट होता है और वाटर क्रिएट होता है एंड अदर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है देन फॉर्म सी यू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ तो यहाँ पर भी क्या होता है एक सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है ठीक है ऐसे ही लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से देन फॉर्म लेड नाइट्रेट प्लस वाटर तो यहाँ पर भी क्या है एक प्रकार से सोल्ट क्रिएट हुआ और वाटर ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर जब वैन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड वैन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दैन फॉर्म सोल्ट एंड वाटर ओके थैंक यू